हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कैसे टॉपिक के बारे में। ठीक है, 9 चैप्टर ज्योमेट्री का, ठीक, क्लास 9th की लाइव वीडियो। ठीक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ठीक है, बहुत टाइम से बोल रहे थे कि ज्योमेट्री इसकी वीडियो बनाएंगे, तो ज्योमेट्री में आपका लाइन्स एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दूसरा चैप्टर आपका सर्कल्स की हो चुकी है। अब आपका सिर्फ एक चैप्टर बताया जो ज्योमेट्री में जिसके क्वेश्चंस मार्क नहीं हुए हैं, वो है आपका ट्राइंगल, तो उसकी भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आज शाम को। ठीक, तो इसलिए पहले ये चेक कर लीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको समझना है तो ये वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। ठीक, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, ईजी है, कुछ टफ नहीं है। आपको ये देखना है कि कौन से ट्राइंगल और जो भी शेप्स है वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में है या नहीं है। ठीक है, एक बार ये देख लीजिएगा, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है आपकी एक तीन थ्योरम है इस चैप्टर में, तीन थ्योरम। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं आपको बता भी दूंगा कौन कौन सी है। पहली थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी क्या, ये वाली, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। मतलब दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आते हैं तो उनका एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल, जैसे फिगर में भी आपको दिख ही रहा होगा। ठीक, इसका प्रूफ है, ये आरटी एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपका बताए थ्योरम नंबर, ये जो एग्जाम्पल सेकेंड है ना, जस्टली में थ्योरम है। ठीक, अब थ्योरम क्या है मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे करके आएगा। तो प्रूफ दैट अ ट्राइंगल एंड अ पैरेलोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल टू, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये थ्योरम भी है इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक, ये वाला क्वेश्चन, तो ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो आ सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको इस एक्सरसाइज में और करने की, इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक, बाकी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो आपको बताने लायक हो। एक ये थ्योरम आती है पेपर में, ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट है पूरी एग्जैक्टली, उसको देखेंगे। यह है आपकी वाली थ्योरम एग्जाम्पल नंबर थ्री, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर थ्री और एक थ्योरम 9.3। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, थ्योरम 9.3 और एग्जाम्पल थ्री दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपके इस क्वेश्चन में से, तो आपको इन क्वेश्चन में से आपको एक ना एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक, इन पांचों में से आपको एक क्वेश्चन गारंटी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पक्का करके जाने, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको पक्का करके जाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस एक्सरसाइज से बाकी, इस एक्सरसाइज के लास्ट के चार क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट के चार मतलब मार्क कर रहा हूँ बताने के लिए आपको, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, चार क्वेश्चन ये, ठीक, टोटल इतने क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज से आपके 9 क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे 16 क्वेश्चन थे लेकिन 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मार्क करा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस। तो इस चैप्टर में बस आपको इतने करना है, बाकी अगर आपको अपने मार्क्स नहीं कटवाने, समरी समरी भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, समरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समरी वगैरह में से एक ना एक या दो MCQ आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि मीडियन डिवाइड्स एनी ट्राइंगल इन टू पार्ट्स ऑफ डैश एरिया, तो इक्वल एरिया करके। ठीक है, कि मीडियन जो होते हैं ट्राइंगल के, दो किसी भी ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो समरी भी पढ़ के जाइए, समरी के हर एक पॉइंट पढ़ के जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ से आपको MCQ में दिखी जाएगा। ठीक है, तो होप यू गाइज इन्जॉय। ठीक है, बाद में लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसको देख पाए और बेनिफिट उठा पाए। ठीक, साथ ही आपको ध्यान रखना है, एक नई वीडियो आएगी जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट मतलब जो भी आप लोगों ने डाउट भेजे थे, जो बोलने के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो उनको कलेक्ट करके बनाई गई एक वीडियो, ठीक है, उसको देख लेना, उसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। अगर आपको और भी डाउट्स भेजने हैं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, आप वहाँ डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट करिए और अपने डाउट्स भेज दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली फिर आपके डाउट्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे अपनी वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, और ऐसे ही लगे रहिए।
और थैंक यू।